ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब, मतलब पहली बार हो रहा है यूट्यूब में, आज तक अभी तक कोई लगाया नहीं है। मतलब पहले क्या था, ऐसे ऑफ करो ऑन करो फिर सेल्फ, तो मतलब बहुत एक झाव जैसा, मतलब 1 2 3 एंड प्रेस। तो गाइस यार, अभी तक आप लोगों ने मेरा जितना भी वीडियो पे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आगे भी ऐसा सपोर्ट करते ना, ताकि मैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वीडियोस बनाते रहूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग इसमें करने वाले, टाइटल थंबनेल देख के समझिए आप लोग क्या इंस्टॉल करने वाले। आज की इस वीडियो में हम लोग इसमें करेंगे क्यू स्विच इंस्टॉल। सब लोग लगाते हैं ऐसा, मतलब डायरेक्टली कट आउट होता है, एक ऑन होता है, ऑफ होता है, बट इस बार मैं BS6 का स्विच इस्तेमाल करूँगा, जो कि 3 स्टेप होता है। एक में एक कट आउट होता है, फिर न्यूट्रल होता है, एंड फिर स्टार्ट होता है। मतलब एक में ही सारा फंक्शन दिया होता है, तो आपको मतलब ऑफ करो, ऑन करो, फिर नीचे सेल्फ का स्विच दबाओ, बहुत दिक्कत होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसमें BS6 का स्विच इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं पहले दिखाता हूँ स्विच कैसा है। तो ये रहा अपने पास BS6 का स्विच, जो कि 130 रुपीज़ लिया हमने, यहाँ पे 130 रुपये मैंने लिया है, लोकल स्टोर, मतलब जेन्युइन होंडा जेन्युइन से लिया। एंड अब देख सकते हो अंदर में कुछ ऐसा, इस तरीके का है ये वो स्विच, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की। ये ऑफ हो गया, ये न्यूट्रल, एंड इसको दबाने से स्टार्ट, मतलब एक ही में 3 फंक्शन, कट, न्यूट्रल, स्टार्ट। तो बहुत ईजी है। यहाँ पे अंदर में देख सकते हो 4 सॉकेट दिया हुआ है, अंदर में 4 सॉकेट दिया हुआ है। तो इसका कनेक्टर में मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप का मैं कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। हम लोग इस स्विच को इस एक्टिवा पे इंस्टॉल करने वाले, जो कि एक्टिवा हीट मॉडल है, 2014 मॉडल है। इस स्विच को हम लोग इस एक्टिवा के इस जगह पे डैशबोर्ड पे इंस्टॉल करने वाले, जिसके लिए मैंने पहले से मार्क लेके रखा है इसका शेप का स्क्रू ड्राइवर से। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस जहाँ पे आपको जो पोजीशन पे चाहिए उसमें रख के आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर से इसका मदद से इसका लाइनिंग बनाना होगा, आउटलाइन। तो कुछ इस तरीके से आपको आउटलाइन बनाना है, एंड ठीक इसको अभी हम लोग काटना है। तो चलो पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, आप देखो कैसे कट करता हूँ। तो इसको ना हम लोग चाकू की मदद से काट रहे हैं, पूरा शेप में साइज लेके ना पूरा शेप में काट लेना आराम से, जैसे आप सको वैसे काट लेना। मैं इसके लिए चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। सो गाइस, अभी इसका शेप में हम लोग इसको काट दिया है, शायद थोड़ा बड़ा ही हो गया, इसको मिलाना पड़ेगा। तो अभी अपने को क्या करना है ना, अभी देखो ये चीज़ तो कर्व है, ये जगह थोड़ा कर्व है, ठीक है, एंड ये वाला फ्लैट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको इसका वाइजर, जो हेडलाइट वाइजर खोल के इसको थोड़ा हीट मार के, हीट दे देंगे इसको, थोड़ा फुला देंगे, फुलाने के बाद इसका इसको शेप दे देंगे, मतलब हीट मार के। मैं भी दिखा रहा हूँ वाइजर कैसे करना है। तो वैसे अभी मैंने इसका वाइजर खोल दिया, तो देखो यार अभी इसको ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हीट डाल के इसमें हीट मार मार के तो इसका शेप में लाना पड़ेगा। तो हीट मारने के लिए इसको घर का अंदर लेना पड़ेगा, हीट गन से हीट करने के लिए। ये सब हीट मारने का पहले इसका जो कनेक्टर है आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो अंदर में कनेक्टर सब है। तो इसको आप चाहे तो आप शोल्डरिंग कर सकते हो, या फिर जो अपना जो स्टॉक वाला हॉरन स्विच जो आता है वायरिंग में, तो उसका मैंने काट के 4 पिन निकाला इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 4 पिन है, तो ये पिन को अगर मैं ऐसे अटैच कर दूँगा आराम से, इसे 4 पिन को सारा अटैच करके मैं आपके हॉट गन या फिर एनाबॉन दे दूँगा, तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट, आप देख लो पहले जैसे 4 सॉकेट चाहिए होगा, ठीक है, एंड इसका जो कनेक्टर के लिए, या फिर आप शोल्डरिंग कर सकते हो। शोल्डरिंग करके इस जगह काट काट के इस जगह को नीचे का जगह काट के आपको अंडर शोल्डरिंग करना पड़ेगा, बट मैं शोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पिन था बोल के मैं शोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ। तो चलो इसको बाद में करेंगे, पहले इसका जो शेप है, इसका जो शेप है वो बना लेते हैं उसमें। तो अभी हम लोग हीट गन से इसको हल्का हल्का हीट करके ना ऊँचा कर देंगे, इसका शेप ला देंगे। तो घर का अंदर कर रहा हूँ, थोड़ा अंधेरा हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना परफेक्टली इसको बैठा दिया मैंने, ना चारों तरफ से कट करके एंड हीट गन से हीट करके ना ये साइड साइड का जो कॉर्नर है थोड़ा उठा ऊपर उठा दिया है, तो मतलब इसको जो ये फ्लैट था पहले, ये देख सकते हो आप, ये पहले फ्लैट था इसके जैसा, ऐसा फ्लैट था। मैं उसको क्या किया, हीट गन से ना हीट करके करके तो इसको थोड़ा कर्व, ऐसा कर्व शेप दे दिया, यू शेप हल्का दोनों तरफ से, इस तरफ से भी एंड इस तरफ से भी। तो इसको वैसे भी परफेक्ट बैठ गया, देख सकते हो परफेक्टली बैठ गया, काम भी कर रहा है, ठीक है। आप लोग भी कर रहा है ना तो एकदम बढ़िया से करना, ताकि ये बढ़िया से फिट हो जाए। एंड अभी मैं आपको इसका वायरिंग दिखाता हूँ, बट वायरिंग करने का पहले ना हम लोग को जो कनेक्टर था, कनेक्टर से बस जोड़ना पड़ेगा। चलो इसको पहले निकाल लेता हूँ, फिर कनेक्टर से जोड़ के फिर अंदर डालूंगा इसको। तो गाइस मैंने जैसे कि आप देखा, मैंने हीट मार के इसको परफेक्ट शेप बना दिया। एंड अब क्या करना पड़ेगा पता है, हम लोगों को इसका लाइन चेक करना पड़ेगा कि किस में स्टार्ट हो रहा है एंड किस में कट हो रहा है। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ये लंबा वायर जो वायर रखा है तो ये इग्निशन कॉइल के लिए जो कटआउट करूँगा उसके लिए रखा है, और जो शॉर्ट वायर है वो सेल्फ के लिए रखा है स्टार्ट के लिए। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ सेल्फ स्टार्ट कौन सा पोजीशन पे होता है, क्योंकि यहाँ पर सो गाइस इसका कनेक्शन जो है ना, कि मैं आपको डिटेल में सुनना, अच्छा से सुनना मैं बता रहा हूँ। इसका जो यहाँ पे स्टार्ट लिखा है ना, इसका स्टार्ट का जो सामने जो दो लाइन है, मतलब दो कनेक्टर है, मान लो ये दोनों है और ये दोनों अलग है, ठीक है। ये दोनों हो गया आपका इग्निशन का, मतलब आपको जो है ये कनेक्शन इग्निशन कॉइल में लगाना है। इग्निशन में कहाँ में लगाना मैं बताऊँगा, पहले ये आप ये समझ लो ये दोनों कनेक्टर कटआउट का है, मतलब इंजन ऑफ का है, ठीक है। एंड ऊपर का ये दोनों जो है, ठीक है, पहले स्टार्ट का, ये स्टार्ट का सामने दो बटन, दो कनेक्टर, ये दोनों, ये हो गया इग्निशन कटआउट का, इंजन कटआउट का। एंड जो ऊपर का दोनों है इंजन स्टार्ट का है, ठीक है, थोड़ा उल्टा पेचीदा है, मतलब उल्टा टाइप का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया इंजन स्टार्ट का, ये दोनों इंजन ऑफ का, ठीक है। तो ये मैं लगा के दिखाऊँ पहले, तो चलो पहले इसको अपना जो डैशबोर्ड है उसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। इस चारों कनेक्शन में लगा दिया अभी, अभी क्या करना है ना हम लोग को, ये एनाबोन जो है अपने पास, एनाबोन से इसको अंदर में मैं एनाबोन पर चिपका दूंगा, डाल दूंगा। तो ये क्या होगा ना, एक टाइम पे रबड़ जैसा हो जाएगा, रबड़ जैसा होके तो एक दूसरे को अटैच होने नहीं देगा, तो ये रिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं चलो एनाबोन इसको अंदर डाल देता हूँ। कोई भी चीज़ है इसका अंदर में पूरा अंदर अंदर थोड़ा इसको डाल देंगे, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाए, नहीं तो क्या होगा ना, फिर कनेक्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहेगा। तब हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो एंड एनाबोन भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ना, मैंने यहाँ पे एनाबोन लगा के रख दिया, तो इसको मतलब मैं 5-10 मिनट तक छोड़ दूंगा, ताकि ये सील हो जाए अच्छे से, मतलब फिक्स हो जाए, तो बाकी बाद में टेंशन नहीं होगा। एंड तब तक ना मैं क्या करता हूँ, इसको बैठा के ना, मतलब बैठा दूंगा एक बार में, जो डैशबोर्ड है ना इसमें बैठा के, फिर इसका जो कनेक्शन वगैरह सब कर दूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। फाइनली एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब, मतलब पहली बार हो रहा है यूट्यूब में, आज तक अभी तक कोई लगाया नहीं है ऐसा जिस टाइप का, जिस लगाया है इस इंजन ऑफ एंड ऑन का, बट स्टार्ट का नहीं लगा। सोचिए फर्स्ट टाइम मैं ये एक्टिवा पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, बाद में अगर दूसरा भी गाड़ी है उसमें मैं दिखा दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो इसको पहले मैं लगा दो इसमें, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा ये बैठ चुका अपने जगह पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जब तक सूखने जाता हूँ तब तक मैं आराम से इसका वायरिंग वगैरह कर लेता हूँ। जैसे कि ये अब देख सकते हो, इसका सॉकेट जो निकाल कर रखा था मैंने, जो सेल्फ का स्विच है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि ये ख़राब दिख रहा है जगह तो इसको यहाँ लगा दिया। एंड पहले अभी मैं कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, जैसे मैं स्टार्ट ये नॉर्मल न्यूट्रल आया देन स्टार्ट करता हूँ, जब मैं गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, वैसे ये गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, मतलब काफ़ी अच्छा है। एंड अभी कटआउट करने के लिए, अगर मुझे कटआउट करना है तो ये जस्ट कटआउट, एंड फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्टार्ट एंड फिर कटआउट, मतलब काफ़ी इजी है। आपको ये कटआउट फिर ऑन करो, फिर यहाँ पे जरूर मारो, मतलब प्रेस करो, बहुत जरूर ऐसा इतना हेडेक लेने का जरूर क्या था ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक ऑन ऑफ बटन लगाते थे, कोई सा भी हो हेड इससे अपर डिपर को हो गया उसमें, यहाँ पे कनेक्ट करते हो ये अपर, मतलब ये कटआउट एंड ऑन, फिर इसे क्लच दबा के इसको दबाना पड़ता है। बट अभी क्या है ना, जो कटआउट करो एंड फिर ये सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट, तो काफ़ी सही है। तो कैसे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, तो चलो इसको मैं परमानेंट कर देता हूँ, मतलब जो वायरिंग वगैरह अच्छे से टेप वेप करके, मतलब बढ़िया से लगा देता हूँ, जो अपना इग्निशन को वायर अंदर से लेके फिर बाहर से निकल कर मतलब नीचे से कर देता हूँ। एंड जो सेल्फ का है ना वो थोड़ा शॉर्ट करके इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ मैं। इसका जो ये अपना जो ये कनेक्शन है, ये अपना जो ब्लू वाला कनेक्शन है, ये असल में पल्सर कॉइल बोलता है इसको, ठीक है। इसमें से करंट आता है, तो इसमें मैं डिवाइड कर दिया दोनों को, ये दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो इससे सीधा कनेक्ट होता है ये, बट मैंने इसको डिवाइड करके इसका मतलब अपना इग्निशन स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ है इसका कनेक्शन। तो अभी मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इसे इग्निशन ऑन किया एंड इसको ब्रेक का मैंने प्रेस करके रखा है, लॉक करके रखा है, ये लॉक करके रखा है। जनाब अब देखो मैं इसको प्रेस करूँगा, 1, 2, 3 एंड प्रेस, ये गाड़ी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब कट करने के लिए ये देखो सिंपली कट, तो कुछ ऐसा कनेक्शन है इसका। जब भी कन्फ्यूजन रहता है ना, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या फिर कमेंट पर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से कमेंट करूँगा, तो और मैं उसका डिटेल बता दूँगा कैसे क्या किया मैंने। तो चलो अभी जितना भी वाइजर वगैरह, हेडलाइट वाइजर एंड ये सेंटर सब फिटिंग करके मैं आपसे फिर बात करता हूँ। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने सारा का सारा जो BS6 का स्विच है इसमें इंस्टॉल कर दिया, तो अभी जो है ना सेल्फ का जो सिस्टम है बहुत मक्खन हो गया। एंड इसमें आपको जैसे पहले क्या था, कटआउट था, इधर ऑफ करो ऑन करो, जैसे पहले कैसा था इसमें हम लोग इग्निशन स्विच लगा था ऐसा, ये कटआउट ऑन करो फिर सेल्फ मारो, बट अभी ऐसा नहीं, अभी सिर्फ क्या करना, चाबी ऑन करना है आपको, इसको बस ब्रेक प्रेस करके अपने ऐसे प्रेस करना है, देखो स्टार्ट, तो काफ़ी इजी हो गया है। बस जैसा पीछे का ब्रेक हो गया, आगे का ब्रेक हो गया, प्रेस करके इसको स्टार्ट करना,
स्टार्ट हो रहा है। मतलब पहले क्या था, ऐसे ऑफ़ करो, ऑन करो, फिर सेल। तो मतलब बहुत एक झाव जैसा, मतलब थोड़ा टाइम लगता था इसमें जाने प्रोसेस में। तो अभी क्या हो, डायरेक्ट एक ही स्विच में थ्री स्टेप हो रहा है। आज का कंटेंट यही था आप लोगों के लिए। बस मैं चाहता हूँ कि हर एक टाइम पे नया नया कंटेंट लेके आ रहा, जो आप लोग लाइफ ईजी करे एंड थोड़ा छोटा मोटा मोटिवेशन भी करो। बस इतना, ये सबको बाद मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना वीडियो को। अभी के लिए बस इतना ही, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी निकले। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे जल्दी एक वीडियो में, जल्दी वापस। ठीक है, बाय बाय।